विच टलिया मेरी राची दे गल विच टलिया मैं ते पीर मनावल चलिया शाना वाले पीरा हो पीरा हो के अपनी जान दे दूंगी लेकिन नीचे तो ईंटें पड़ी हुई हैं, वो ईंटें ही टूट जाएंगी और चोट अलग लगेगी और बेचारा मेरा कौमी विरसा अलग तबाह बर्बाद होगा। तो इसलिए मैंने अपना कूदने का इरादा तर्क कर दिया है और इसमें से बदबू भी आ रही है। तो जब इसमें ब्रिटिश टाइम में रीबिल्ड किया था, ये उनकी हवेली है और उन्होंने अपनी हवेली में शीश महल भी बनवाया था। सबसे ऊपर वाली विंडो जो बंद है उस कमरे के अंदर उन्होंने शीश महल बनवाया था और वो शीश महल की एक तस्वीर आप इसके ऊपर भी देख सकते हैं। ये काफी बड़ी हवेली थी, हम एक राउंड करके आते आगे से मैं आपको दिखाती हूँ ये हवेली का कितना बड़ा की जा रही है। चाचा जी की बैठक आपने सुना भी होगा कि दस का शहर लाहौर अंदर कितने
रहे थे कि नियां ही बारियां है। दस्ता में शहर लाहौर अंदर लखा ही कुएं थे, लखा ही बारियां थे। तो आप देख सकते हैं ये कितने यहाँ पे अंदरून तो वैसे ही कुएं बारियों से मशहूर है। तो आप देख सकते हैं एक हवेली की कितनी खिड़कियां और दरवाजे वाले। तो ये मुख्तलिफ अब यहाँ पर जो लोग रहते हैं ये 1970 में यहाँ पर आए थे और अब उनके अंडर ये हवेली और बिल्कुल सबसे ऊपर वाली साइड पे उनकी वो रूम है। अच्छा, उन्होंने मियां सुल्तान ने लाहौर फोर्ट का जो शीश महल है उनसे इम्प्रेस होके यहाँ पे अपने घर में भी शीश महल बनाया था। तो आप ये देख सकते हैं ये सजावट भी की गई है। तो ये चचा जी ने करवाई है जिनकी बैठक है ये, और इन्होंने बहुत खूबसूरत अपनी ये डेकोरेट की है। तो जब कभी आना हुआ तो यहाँ आप चाय वगैरह भी पी सकते हैं और नाश्ता भी कर सकते हैं। तो दोस्तों ये है चचा की बैठक। यहाँ पे जब आप वॉल सिटी आएँ तो यहाँ पे आके आप नाश्ता कर सकते हैं, गर्मा गर्म चाय से लुत्फ़ानंदोज हो सकते हैं। और इस वक्त हमारे सामने खड़े हुए हैं चचा जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, सलाम रहमतुल्लाह। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो कुछ इस बैठक के बारे में बताएं, आपके ख्याल में ये कैसे आया कि आपको बैठक खोलनी चाहिए? वैसे बस दिल किया, कुछ जिंदगी का हिसाब मुल्क से बाहर गुजारा है। अच्छा, 55 ईयर जी। तो आया, कुछ दोस्तों ने कहा यार कुछ होना चाहिए। वैसे बैचलर का घर अच्छा बना हुआ था मेहमान नवाजी के लिए, तो ये कुछ दोस्त कहने लगे साथ में है लाडी शाह जी के, जी बैठक बना लो। बोला मोस्ट वेलकम, बना लो भाई। अभी डिकोर चल रही है, कुछ डिकोर रह गई है जी। उस एक तरफ अरबी दीवानिया दीवान कुवैती बनाया मैंने, बहुत अच्छा भी है। आप कुवैत में रह के आए? 55। अच्छा, चले दीवान का विजिट भी करा दें हमें। दोस्तों मेरा ख्याल है इनको ये लोग बहुत पसंद है, स्टार्स, फिल्म स्टार्स। तो इन्होंने यहाँ पे इनकी तस्वीरें फ्रेम करके लगाई हुई हैं। दोस्तों ये है चचा की बैठक। तो यहाँ का इन्होंने सारा जो दीवान कुवैती जो कि चचा की बैठक में मौजूद है, क्योंकि चचा जो हैं वो कुवैत में काफ़ी अरसे रह के आए हैं, तो वो वहाँ की जो सिटिंग अरेंजमेंट है वो काफ़ी उसको पसंद करते थे। और जब आप कहीं जाते हैं तो वहाँ से कोई ना कोई चीज़ें अडाप्ट तो करके आते हैं। तो फिर ये इन्होंने पूरा सिस्टम बनाया हुआ, देखिए बिल्कुल वैसी ही सारी चीज़ें रखी हुई हैं, कुशन्स और ये सारे जो सारी चीज़ें हैं देखें। हाजी साहब का बेसिकली ख्याल था कि क्योंकि वॉल सिटी के कल्चर को इम्प्रूव करने वाला भी एक सबसे इम्पोर्टेंट जो एम है हमारा, तो उसमें एक परफॉर्मर्स की हमने एक टीम तैयार की है जो आने वाले विजिटर्स को अंदरून शहर के प्योर कल्चर के बारे में जो आगाह करेगी, जिससे लोगों को यानी इन्फॉर्मेटिव एक टूर हो जाएगा। इस सारे घर को इंशाल्लाह ताला हमने कल्चरल हाउस बना देना है, जो वॉल सिटी का एक वो हो जाए, पार्ट हो जाएगा और परफॉर्म हो गया यहाँ पे आर्ट परफॉर्म। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों इस वक्त हम रवा दवा हैं मस्जिद वजीर खान की जाने। आप आगे आ जाएं प्लीज, बंद करो ले जा रहे हैं। देखो बच्चों इसका नेम है राजू। अभी राजू आपको कमाल करके दिखाए, बड़े बड़े एक्शन लगा के दिखाए। देखो सर्कस दिखा, अरे बच्चों को एक्शन लगा के दिखाओ, बड़े बड़े सर्कस दिखाओ। राजू बन गया जेंटलमैन, राजू बन गया जेंटलमैन, यंगमैन। वेलकम करो, वेलकम वेलकम कर रहा है आपको। देखो राजू अभी अपनी आंटी के घर जाएगा, राजू घर से आंटी को मिलने जाएगा, आंटी के घर से गाड़ी, तेरी गाड़ी राजू है, तेरा गाड़ी मेरा गाड़ी है।
सर झुकाए जैसे अल्लाह का नेक बंदा अल्लाह की बारगाह में सर झुका दे। छोटी सी लकड़ी के ऊपर खड़े होकर दिखाएगा प्यारे बच्चों के लिए सर कस लगाएगा। देखो साहब ये छोटे छोटे लकड़ी के स्टूल इनके ऊपर खड़े होकर दिखाएगा। ये खड़े होकर अल्लाह का नाम देखो अल्लाह का नाम लेंगे। ये है दोस्तों मस्जिद वज़ीर ख़ान और वेक लाहौर के साथ हम आए हैं इस वक्त मस्जिद वज़ीर ख़ान। तो यहाँ पे बैठक का भी इंतज़ाम है, यहाँ पे आप बैठें चाय पिएं जो खाना है खाएं। यहाँ पे खाने के भी कई स्टॉल्स लगे हुए हैं और यहाँ पे जो पुरानी इस वक्त जगहें थी उनको उन्होंने छोटे छोटे शॉप्स में कन्वर्ट कर दिया है। यहाँ से आके आप शॉपिंग भी कर सकते हैं और यहाँ पे एक हस्तनीस का भी एक आगे शॉप है तो उधर जाके आप रूमी के बारे में वहाँ पे बात कर सकते हैं पढ़ सकते हैं। तो चलिए अंदर की जानिब। तो आप यहाँ से चीजें खरीद भी सकते हैं जबकि वज़ीर ख़ान मस्जिद के ट्रे भी पड़े हुए हैं। यहाँ पे सुनहरी मस्जिद के ट्रे बने हुए हैं और वॉल हैंगर्स भी पड़े हुए हैं। यहाँ पे आपका वहाँ पे उन्होंने क्लाम किया आपको। इसके अलावा आप यहाँ पे देख सकते हैं कुछ यहाँ पर और पेंटिंग्स भी पड़ी हुई हैं जो कि समर पैलेस है और इसके अलावा वज़ीर ख़ान मस्जिद का पहले वाला सीन यहाँ पर दिखाए हुए आप देख। और ये वज़ीर ख़ान मस्जिद का वो यहाँ पर सीन दिखाया गया है जब मस्जिद बनाई गई थी 1634 में उस टाइम के सीन ये दिखाए गए। और यहाँ के ये चिट्टा गेट जो हम देखते हुए आए हैं और दीनानाथ ने ही बनवाया था। ये कश्मीर के राजा थे, उन्होंने डिफेंस पर्पज से यहाँ बहुत से काम किए थे तो उनमें से ये एक वेल बनवाया। तो हम जा रहे हैं मस्जिद के अंदर, आई जी अंदर चलते हैं लेकिन जाने से पहले ये वाले स्पॉट भी हम देखते हुए जाएंगे। आइए हम यहाँ पर कुछ यहाँ पे पेंटिंग करने वाले बैठे हुए हैं, कैलीग्राफर्स बैठे हुए हैं, हाथ से बनी हुई फर्नीचर भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा हाथ से कढ़ाई हुई भी आप यहाँ पे चीजें देख सकते हैं। मुख्य ये देख सकते हैं आप कि यहाँ पर कुछ शर्ट भी पड़ी हुई है, कुछ कुशन है, कुछ पर्स है, रुमाल है, ये सारी हाथ से बनी हुई है तो आप ये भी देख सकते हैं। जैसे कुछ खरीदना चाहे तो आप ये खरीद भी सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ पे कुछ कैलीग्राफर्स भी बैठे हुए हैं यहाँ पर जो हताशी करने वाले हैं, ये आप देख सकते हैं उनका काम इतना खूबसूरत उन्होंने ये काम किया। अगर आपने कुछ लिखवाना हो तो इनसे लिखवा भी सकते हैं। एक ये बुक शॉप है जो कि यहाँ से आप उसका किताब खरीदना भी चाहें तो आप खरीद सकते हैं। अभी हमारी रिफ्रेशमेंट यहाँ पर ही है, आपने कुछ चीज़ खरीदनी है कुछ करवाना हुआ तो करवा सकते हैं लेकिन अब हम जा रहे हैं। सारी ने इस मस्जिद को बनाया था और ये 7 सालों में मुकम्मल हुई थी। यहाँ 2 टाइप्स यहाँ पर काम हुए हुए हैं, यहाँ पे फ्रेस्को पेंटिंग हुई हुई है, मोज़ेक टाइल वर्क हुआ हुआ है। ये बाहर आप जितना भी काम देख रहे हैं ये मोज़ेक टाइल वर्क है और यहाँ पे 38 रूम्स बनाए गए हैं। ये उनके लिए बनाए गए थे जो पुराने पाक पढ़ने के लिए यहाँ आते थे उनके लिए ये मदरसे बनाए गए थे और अंदर फ्रेस्को पेंटिंग की गई थी। आप ये बाहर जितना भी काम देख रहे हैं ये सारा मोज़ेक टाइल छोटी छोटी टाइल्स के ऊपर काम किया हुआ है। तो आइए वो देखते हैं और फिर मस्जिद के अंदर से एक विजिट करके बाहर आ जाएंगे और नमाज से पढ़नी है वो पढ़ सकते हैं और वजू यहाँ से किया जाएगा। काम किया गया है तो प्लीज आप थोड़ा सा और आगे आ जाए सकते हैं। एक
पूल है, पूल में देखिए कितनी टाइल्स लगी हुई है। अगर हम काउंट करते हैं तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 and 14 एक पूल में 14 टाइल्स लगी हुई है। वर्ल्ड में देखिए कितनी टाइल्स छोटी छोटी लगी हुई है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एक वर्ड में 8 टाइल्स लगी है, पूल में 14 लगी है। तो अगर थोड़ा सा पीछे जाके मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पे क्या क्या काम किया गया है। तो अगर आप इसकी वॉल में देखते हैं वो आयात जो लिखी हुई है, ये कुरान पाक की आयात है। और वो नीचे देखें वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जो ऊपर तक देखते जाए, उधर से उस साइड पे, उधर से नीचे आए, ये कुरान पाक की सूरत फतह लिखी हुई है। इसके अलावा आप देखें आपको आयतुल कुर्सी भी, ये छोटी छोटी टाइल्स के साथ यहाँ पे काम किया गया है। यहाँ पे कलमा भी लिखा हुआ है और चार हुर्रे राशिदीन के नाम भी लिखे हुए हैं। अगर आप थोड़ा सा अंदर आते क्या पे अच्छा ठीक है, आइए जी हम लोग अंदर जा रहे हैं देखने के लिए फ्रेस्को पेंटिंग। तो आइए फ्रेस्को पेंटिंग भी देखते हैं। यहाँ पे फ्रेस्को पेंटिंग की हुई है, ओरिजिनल कलर्स लेके यहाँ पे अप्लाई किया हुआ है और यहाँ पे अल्लाह के नाम लिखे हुए हैं, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम लिखे हुए हैं। और अगर आप इसकी छत पे देखते हैं तो आपको दूसरे भी लिखे हुए नजर आएंगे। इसके अलावा यहाँ पर आप देखें मैडम जी, आप इस साइड पे आंसर मैं आपको दिखाती लिखी हुई है, ठीक है। यहाँ से गौर से इसको पढ़ने की कोशिश करें और उसके बाद हम इस साइड पे जाएंगे, आप इस साइड पे आए आपको से इस साइड पे भी आपको लिखा हुआ होगा, दोनों साइड से समझा। और ये 5 कमरे बताए गए थे इस स्पेस पे कि नमाजें कितनी है, 5 इस्लाम के अरकान कितने हैं, 5 उसी चीज को फोकस रखते हुए ये मस्जिद 5 कमरे बनाए गए। ये 5वीं मस्जिद से पुरानी मस्जिद है। तो यहाँ पर आए आपको एक मिंबर पड़ा हुआ आपको मैं दिखाती हूँ, तो वो भी हम देखने के लिए जा रहे हैं। यहाँ पे जो कि 1899 में लॉर्ड कर्जन ने इस मस्जिद को गिफ्ट किया था, ये अखरोट की लकड़ी का बना हुआ है। मैडम इधर से आके आप देख सकते, इधर से आके इसकी पिक्चर आप बना सकते, ये अखरोट की लकड़ी का बना हुआ है जी। तो अगर किसी ने पढ़ लिया तो पढ़ लें, हम यहाँ पे 15 से 20 मिनट तक यहाँ पे। तो हमने कहा ट्रिप के थ्रू आते हैं, उससे बहुत कुछ पता चलेगा जो हम ज़ाहिर खुद से पढ़ के सर्च करके इतना नहीं जान पाते। तो इस तरह ट्रिप में आना और फिर उस तरह से एक्सप्लोर करना, ये बिल्कुल लग रहा है नया। हम हालांकि 100 जगह से ज़्यादा पहले आ चुके हैं लेकिन हम बिल्कुल नया एक्सपीरियंस। वो इसलिए लग रहा है क्योंकि फरजाना जो कि वेक लाहौर को मॉडरेट करती हैं बहुत अच्छा बता रही हैं, मतलब मेरा एक्सपीरियंस बिल्कुल न्यू है इसमें। मुझे लग रहा है कि मैंने हर चीज़ पहली बार देखी है, ये जितना डिटेल में विद डेट्स विद उसकी हिस्ट्री सब चीज़ें बता रही हैं। तो फरजाना आपको कैसा लगता है ये सारा, हर दफ़ा वही चीज़ें रिपीट करते हुए आप एक्साइटेड होती हैं या ये रूटीन का काम है? एक्चुअली जो जब गेस्ट मेरे इंटरेस्ट ले रहे होते हैं ना तो मैं उनसे ज़्यादा इंटरेस्ट ले रही हूँ, क्योंकि ये मुझे इतने गौर से सुन रहे हैं, मुझे इतना अच्छा लगता है और फिर नेक्स्ट मैं कोशिश करती हूँ उससे भी अच्छा मेरा एक। अच्छा तो आपको कितना अरसा हो गया ये सब कुछ करते हुए? तकरीबन 10 साल हो गए इस फील्ड में। अच्छा वो जो सैटरडे को एक वहाँ पे हो रहा है किले में एक इवेंट हो रहा है, तो आप उसको भी मॉडरेट कर रही हैं? जी बिल्कुल, हम वॉल सिटी लाहौर अथॉरिटी की तरफ से हायर किए हैं और इसमें हमारे रात के टाइम सैटरडे नाइट को हमारे 2 इवेंट चलते हैं, शाही किला में हिस्ट्री बाय नाइट के नाम से और अंदरून में रोशन गलियां अंदरून लाहौर की के नाम से एक इवेंट चल रहा होता है। दिल्ली गेट से वो स्टार्ट होता है रोशन गलियों वाला टूर और बहुत एक एक्टिविटी और परफॉर्मेंस के साथ साथ वज़ीर हन मस्जिद में क्वाली नाइट उसकी होती है और इसी तरह शाही किला में हिस्ट्री बाय नाइट जो कि फूड स्ट्रीट बादशाह मस्जिद के बैक साइड से स्टार्ट होता है रोशनाई दरवाजे से और फिर ख़त्म भी वहाँ पर होता है और उसमें भी बहुत इंजॉय, वहाँ पर भी डोर परफॉर्मेंस है, कथक डांस है उसके अंदर, तो यानी लोग उसको भी इंजॉय करते हैं और रोशन गलियों को भी आज। अच्छा रोशन गलियों का टाइम क्या है? रोशन गलियां एवरी सैटरडे 6:30। और वो जो किले का इवेंट है वो किले में एवरी सैटरडे नाइट
7:30 PM. बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह वहाँ पे भी विजिट करेंगे। तो दोस्तों अब हम जा रहे हैं इस घर के अंदर और अंदर चल के बताते हैं इस घर के बारे में कुछ। बाहर से दिखाया था एक, हम उस वक्त उस घर के अंदर मौजूद हैं और उसकी बैल्कनी से मस्जिद वसीर खान का एक लुक देख लें, एक व्यू देख लें। जी मैं 14 ईयर्स से इसको बजा रहा हूँ और पाकिस्तान के बहुत सारी मूवीज़ में, बहुत सारी OSTs में बजा चुका हूँ। इसके अलावा मैं 10 मुल्कों में जा चुका हूँ और फिर पाकिस्तान को प्रेजेंट कर चुका हूँ। खैर, ये वॉल्ट सिटी का बहुत बड़ा कारनामा है कि आप जैसे इतने बड़े बड़े आर्टिस्ट इसमें वो इंट्रोड्यूस करा रहे हैं लोगों को यहाँ पर लाहौर में, और ये बहुत ज़बरदस्त है। अब हम आपका परफॉर्मेंस देखेंगे तो उसकी भी बताते हैं इसके बारे में। थैंक यू। Yeah!
तो दोस्तों ये बैंड दिखा के और आप रिफ्रेशमेंट ले सकते हैं। एक मजाक है ये, मैं ये ठीक है ये देखिए जी, थैंक यू। और इसके साथ ही दोस्तों मुझे इजाज़त दीजिए, जाने से पहले कहूँगी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए और मुझे इजाज़त दीजिए। बाय बाय, टेक केयर। वेलकम टू बैक उसने शॉल ओढ़ी हुई है बैल ने, तो वो ज़्यादा नज़र नहीं आ रहा। बैल ने ओढ़ी हुई शॉल। वेलकम टू बैक आउट ऑफ लाहौर, आउट ऑफ वॉल्ट।